हेलो व्यूअर्स, दिस इज पार्ट सेकेंड टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ थ्री डिजिट नंबर। मैं कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी लिख लिया है, जैसे 104 है। इसको एक दूसरे तरीके से हम बता रहे हैं, थ्री डिजिट का जो है स्क्वायर कैसे निकालेंगे। ये हम देखेंगे कि स्टार्टिंग के जो है राइट से लेफ्ट की टू डिजिट, और ये एक सिंगल पेयर, यानी राइट से लेफ्ट की ओर हम पेयर बनाएंगे तो ये एक हम इसको 04 के एक साथ लेंगे और टू अकेले रहेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है थ्री जो है स्पेस हम बनाते हैं, इस तरह का लाइन लेते हैं। तो टू का स्क्वायर हमने लिख दिया 2 2 4, और इसका स्क्वायर हमने लिख लिया 04, यानी 4 का स्क्वायर 4 4 16, टू डिजिट में अभी है। अब क्या करेंगे कि इस 2 का इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 8, और फिर जो पावर है जो बचा हुआ है 2 2 2 4 8 और 8 2 16, इसको बीच में दे देंगे। तो यही हमारा 4 16 16 स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। करके 204 × 204 4 1 6 1 6 4 1 6 1 6। ठीक है, इस तरह 102 का है पेयर हमने दो, या 1 है तो इसके लिए हमको 3 लाइन हमें बनाना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 02 का या 2 का स्क्वायर 2 2 4 होगा। तो यह 2 2 4 है तो हमको 2 डिजिट में ही लिखना है, 04 करेंगे। अब 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2, और फिर 2 का इस पावर से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4। अब इस 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन यह भी 2 डिजिट में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 0 ऐड कर देंगे, तो यानी अब भैया हो गया 10404 स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट है 103 का, सेम प्रोसेस है, ये 2 डिजिट है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 03 यानी 3 का स्क्वायर जो 3 3 9, 2 डिजिट में लिखेंगे। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 1 3 3, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे पावर से 3 2 6, तो 6 लिख दिया, लेकिन इसमें भी 2 डिजिट का होना चाहिए। अब ये जो होगा आपका 10609 स्क्वायर हो गया 103 का। 104 में आते हैं, पेयर हो गया ये 2 है 1 1 2 3, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 4 4 16, ऑलरेडी 2 डिजिट में है। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 1 4 4, 04 से मल्टीप्लाई करेंगे, बात वही है 1 4 4, और 4 2 8, 8 को यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन ये भी 2 डिजिट में होगा। तो हमारा जो है आंसर होगा 10816 स्क्वायर। अब देखते हैं 312 का, तो 1 2 3 3 3 9, ठीक है, यहाँ पर 0 लगाएँ या न लगाएँ कोई फ़ायदा नहीं है, लेफ्ट साइड में है। तो 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो 12 12 144। अब ध्यान दीजिएगा 144, लेकिन हमको 2 डिजिट में ही लिखना है, 1 हमारा क्या होगा कैरी हो जाएगा बीच वाले पर। 144 और 12 12 जाए जो होता है 144 44 लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। अब क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है, 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 12 जाए या 12 3 जाए 36, और 36 का 2 गुना यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 2 जाए 72। अब जब लिखेंगे तो 4 4 और 72 है, 1 जुट गया तो क्या हो गया 73, और ये 9, तो ये हमारा ये हो गया आपका स्क्वायर ऑफ 312 का। ठीक है, अगला देखते हैं 212, ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, 2 का 1 2 3 है, 2 का जो है स्क्वायर करेंगे तो 2 2 4 हो गया, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 12 जो होता है कितना होता है 144, तो 144 3 डिजिट में, तो 2 ही डिजिट लिखेंगे, 1 हमारा कैरी रहेगा बीच में, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो 12 12 2 4 24, और 24 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो इसका मतलब जाएगा कि 4 4 8 और 1 9, ये 9 4 4, ये स्क्वायर हो गया 212 का। नेक्स्ट देखते हैं
वन का स्क्वायर वन ही होगा, फाइव का स्क्वायर फाइव फाइव जाए 25, टू डिजिट में ऑलरेडी है, वन का मल्टीप्लाई करेंगे 05 में तो 5 ही आएगा, और 5 टू जा 10, तो ये हमारा 1025। अब आते हैं 118 का स्क्वायर, ये 18 है, ये 1 है, 1 2 3, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 18 का स्क्वायर 18 का 18 जा हो जाएगा 324 हमने लिख दिया, 3 हमारा कैरी हो गया। अब क्या करेंगे, इस एक का यानी 1 का 18 में मल्टीप्लाई करेंगे, 118 जा 18 जी हो गया, और 18 का 2 जा 37। अब देखिए 24 6 और 3, ये 3 था ना, 9 3 1, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 118। एक देते हैं और 124 का स्क्वायर, ये 2 डिजिट है, 1 है, तो 1 2 3, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 24 का स्क्वायर, देखिए अब याद करना पड़ेगा, ये स्क्वायर 25 तक का, 24 का स्क्वायर होता है 576, तो 76 लिखेंगे, 5 हमारा कैरी होगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, और फिर 24 ही आएगा, और फिर 24 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 24 टू जा 48। अब 76 हो गया, 8 9 10 13 का 3, ठीक है, इसमें आ गया 5 1, तो ये जो हमारा स्क्वायर रूट निकला 135 76। एक और बचा हुआ है 15 5 5 का स्क्वायर 25, 15 15 जा होता है 225, यही होता है ना 225, तो 25 हमने लिख दिया, 2 हमने कैरी किया, अब 5 का टेबल पढ़ेंगे 15 बार, या 15 का टेबल 5 बार पढ़ें, तो 15 5 जा 15 5 75, यानी 15 5 जा 75, और 75 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो उसका दोगुना करेंगे तो 150, ये आपका 150 आ गया। तो अब यहाँ पर 25 एज यूजुअल रहेगा, 150 में जो 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 152, तो 2 डिजिट में ही लिखेंगे 152 का 52 ही लिखेंगे, 1 कैरी करके यहाँ पर रखेंगे, 5 और 1 6 और 2, तो दिस इज द स्क्वायर 265225, ठीक है। तो आप ये इस दूसरे तरीका भी यह है जो नियरेस्ट 100 में है और आसानी से इसको निकाल सकते हैं, जो आप अगर 25 तक का टेबल स्क्वायर याद रहेगा तो और इजी हो जाएगा आपको निकालना। थैंक यू।